स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स बीबीएल टी20 मैच प्रीव्यू। तो बिना देरी के यहाँ प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच मार्वल स्टेडियम डॉकलैंड्स के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन दोपहर के 1:45 पर स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको बताए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 23 जनवरी को मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज़ हैं। तो आपको सबसे पहले चलता हूँ फोटोज़ के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी दोस्तों मार्वल स्टेडियम डॉकलैंड्स की, आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने वाली है। इस पिच की दोस्तों खासियत क्या है, जो पहली बात दोस्तों आपको नोट करनी है, जो पिच रहेगी ना दोस्तों ये न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पिच ना हल्की सी यहाँ पे बैटर फ्रेंडली रहेगी। और दोस्तों जो पिच है ना मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत बढ़िया मानी जाती है बैटर्स के लिए, स्पेशली पहली बारी के अंदर। यहाँ पे दोस्तों बैट फर्स्ट करना बहुत ईजी है, यहाँ पे दोस्तों चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों दूसरी पारी के अंदर ना ये पिच थोड़ी सी स्लो जाती है और दोस्तों यहाँ पे कटर बॉलर्स को और स्पिनर्स को मदद मिलती है, स्पेशली दूसरी पारी के अंदर प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों जो टीम चेस करती है उसके ऊपर प्रेशर आता है, तब दोस्तों विकेट्स यहाँ पे ज़्यादा गिरते हैं। तो आप दोस्तों पिच को यहाँ पे देख सकते हो। स्टेडियम को दोस्तों व्यू देखो, कितना दोस्तों खूबसूरत स्टेडियम है। आपने दोस्तों स्टेडियम का नाम भी सुना रहेगा, मार्वल स्टेडियम डॉकलैंड्स, ठीक है। स्टेडियम की दोस्तों खासियत क्या है, इस स्टेडियम के ऊपर ना दोस्तों रूफ लगी हुई है। अगर दोस्तों यहाँ पे बाई चांस बारिश आ भी गई ना तो दोस्तों रूफ है ना, आपको दिखाता हूँ दूसरी फोटो। देख रहे हो दोस्तों इस फोटो में आपको अच्छे से समझेगा, या आप देख रहे हो दोस्तों ये रूफ है ना दोस्तों, ये अपना क्लोज हो जाती है जब दोस्तों यहाँ पे बारिश आती है। तो दोस्तों स्टेडियम की बहुत खूबसूरती है कि यहाँ पे दोस्तों रेन से बिल्कुल फर्क पड़ता नहीं है। दोस्तों बारिश आती है ना तभी भी दोस्तों यहाँ पे मैच होता है, क्योंकि रूफ होती है ना दोस्तों वो क्लोज हो जाती है, ढक जाती है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा मैच होगा। और अभी दोस्तों एक रूल है क्या, अगर दोस्तों बाई चांस ना बॉल रूफ को लगती है तो उसको दोस्तों डेड बॉल दिया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आपको बता दिया मैंने जानकारी के लिए। तो दोस्तों आपको ये कहूँगा वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। फोटो से दोस्तों आपको मैंने दिखा दी जो आपको कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि दोस्तों से वीडियो इंटरेस्टिंग बनती है, आपको दोस्तों नॉलेज मिलती है हर चीज़ की, ठीक है। तो स्वागत आप सबका किसके अंदर, बिग बैश लीग के अंदर, द ग्रैंडेस्ट टी20 लीग। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात करते हैं। तो अब देखो दोस्तों पहली बात आपको नोट करनी है, ये किसका होम ग्राउंड है, ये दोस्तों होम ग्राउंड है मेलबर्न रेनेगेड्स का। डॉकलैंड दोस्तों कहाँ पर है, मेलबर्न के अंदर है। तो मैं कह सकते हैं दोस्तों ये होम ग्राउंड है मेलबर्न रेनेगेड्स का। अब देखो यहाँ पे इस वेन्यू के ऊपर ना मेलबर्न रेनेगेड्स ने 42 मैचेस खेले और जीते 14। इनका दोस्तों अपने होम ग्राउंड पे ना बहुत ही ज़्यादा खराब स्टैट्स है, बहुत खराब रिकॉर्ड है। आप देखो 42 मैच खेलना और 14 मैच ही जीते हैं सिर्फ, ये दिखाता है दोस्तों कितना खराब परफॉर्मेंस रहा यहाँ पर इनका। अब देखो यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स जो दोस्तों मेहमानी टीम है, ठीक है। तो देखो इन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स जो मेहमानी टीम है तो उन्होंने यहाँ पे 5 मैच खेले और दोस्तों 4 मैच जीते हैं। इनका दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पर दोस्तों इनके पास अभी एडिलेड स्ट्राइकर्स के पास एलेक्स गेरी नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है दोस्तों, मैट रेंचो नहीं है, तो उनकी चिंता की बात है। मेरे हिसाब से दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स इस साल स्ट्रॉन्ग लग रही है मेरे को। तो अब देखो जो टीम बैट फर्स्ट करी है 3 मैच जीती है, जो टीम दोस्तों चेस करी थी ना यहाँ पे सिर्फ 1 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 4 गेम्स। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बैट फर्स्ट करना ज़्यादातर लाभदायक है। औसतन स्कोर 140-180 दोस्तों आपको बनता हुआ दिखेगा, एक बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है दोस्तों, ठीक ठाक 160 के आसपास स्कोर बन जाते हैं, एकदम आपको बढ़िया हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट 4 मैच के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, पेसर्स मतलब आप जानते हो तेज गेंदबाज होता है, तेज गेंदबाजों ने 38 विकेट्स निकाले, पहली पारी में 15 है, दूसरी पारी में 23 विकेट्स है। शॉकिंग स्टैट्स है दोस्तों कि दूसरी पारी में पेसर्स ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे राइट आर्म पेसर्स के 33 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 5 विकेट है। बात करेंगे दोस्तों स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने लास्ट 4 मैच के अंदर 18 विकेट निकाले हैं, पहली पारी में 9, दूसरी पारी में 9। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्पिनर है, लेग स्पिनर्स विल बी द की इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट दोस्तों, आपको हमेशा बोलता हूँ मैं। 13 विकेट्स है लेग स्पिनर्स के, लेफ्ट आर्म चाइनामैन के 2 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 2 विकेट है, ऑफ स्पिनर का 1 विकेट था। तब टोटल करना दोस्तों पहली पारी के अंदर ना कितने विकेट गिरे हैं, पहली पारी में दोस्तों कुल मिला के 24 विकेट गिरे हैं पेसर्स और स्पिनर्स ने निकाले, ठीक है। दूसरी पारी में कितने विकेट निकाले बॉलर्स ने, आप देखो 23-9 करना 32 आपका आंसर आएगा। तो आप सोचो पहली पारी में 24 विकेट गिरते हैं, दूसरी पारी में 32 विकेट गिर रहे हैं यहाँ पे प्रेशर के अंदर। लास्ट मैच हुआ था
23 जनवरी को मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस ब्रिस्बेन हिट का 9 विकेट पेसर्स के थे और 5 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे। वेदर फूका दोस्तों मायने नहीं रखता क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रूफ है स्टेडियम के ऊपर, तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना दोस्तों। आप बिग बैश लीग के रूल तो जानते ही हो, आपको मैंने पहले भी बता रखा, आप पढ़ लेना। न्यूज़ की बात करते हैं भाई साहब, न्यूज़ क्या आई है, मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से एरन फिंच दोस्तों यहाँ पे फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले ना नी सर्जरी कराई थी, उनमें दोस्तों को दिक्कत आ रही है अभी भी। इवन वर्ल्ड कप के अंदर भी इनको दिक्कत थी, पर दोस्तों उन्होंने बताया नहीं था क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा रहना चाहते थे, कैप्टन दोस्तों वहाँ पे रहना चाहते थे, तो ये दोस्तों बात है। तो उनके कोच ने क्या कहा कि भाई लेट कॉल विल बी मेड, ये दोस्तों बहुत बड़े प्लेयर है तो उन पर अपन लेट डिसीजन लेंगे, तो देखते हैं खेलते हैं नहीं। शॉन मार्स दोस्तों अभी तक पर्थ के अंदर ही है, इनको दोस्तों काफ स्ट्रेन हुआ है और ये क्रिसमस के बाद अवेलेबल होंगे। मार्कस हैरिस निक मेडिसन नेशनल ड्यूटी के ऊपर है। एडिलेड स्ट्राइकर्स ट्रेविस हेड एलेक्स कैरी मैट रेंशो नेशनल ड्यूटी के ऊपर है। बात रहे दोस्तों किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेली तब क्या हुआ है, दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 14 मैच खेले हैं। एडिलेड स्ट्राइकर्स 9 जीती है, मेलबर्न रेनेगेड्स 5 जीती है। दोस्तों कांटे का मैच होगा मेरे हिसाब से, इस बार मेलबर्न रेनेगेड्स का स्क्वाड बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके अंदर दोस्तों एक इंडियन प्लेयर है जिसका नाम अनुमुख चंद, भाई टॉप क्लास प्लेयर है, अंडर 19 की कैप्टनसी कर चुका है इंडिया के लिए, जिसमें दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर खेले थे। तो देखो यहाँ पे मैकेंजी हार्वी ओपन करेंगे, कंफर्म है उनुमक चंद के साथ। श्याम आपर वन डाउन है, जैक फ्रेसर एमसी गर्ग टू डाउन है, जेम शेमूर दोस्तों कड़क प्लेयर है, ये लेफ्टी बैटर है, 2-3 डाउन आएंगे। मोहम्मद नाबी विल सदरलैंड गजब परफॉर्मेंस रहा प्रैक्टिस मैचेस में, जैक्स मेडिसन आएंगे, केन रिचर्डसन आएंगे दोस्तों कैप्टनसी ये करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ निक मेडिसन। वैसे इस साल निक मेडिसन कैप्टनसी करते लेकिन नेशनल ड्यूटी के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया ए के लिए। कैमरन बॉयस रिस्टोपली आपको दिखेंगे, रिस्टोपली के दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर है और कैमरन बॉयस इस साल वापसी करें, लास्ट ईयर दोस्तों नहीं खेले थे कोविड की वजह से। देखो प्रमुख गेंदबाज पैटिनसन रहेंगे, रिचर्डसन रहेंगे, बॉयस रहेंगे, रिस्टोपली रहेंगे, पांचवें बॉलर रहेंगे मोहम्मद नबी और विल सदरलैंड। बात करते हैं दोस्तों हमें किसके, जॉस लेरो भी आ सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है। फिंच दोस्तों आ सकते हैं, ऊपर देखते हैं क्या होता है। जहीर खान दोस्तों मुझे लग नहीं रहा खेलेंगे, 3 ओवरसीज प्लेयर अलाउड है बिग बैश लीग के अंदर। जैक वदलैंड ओपन करेंगे, मैथ्यू शॉट के साथ राइट ही बैटर है मैथ्यू शॉट, हैरी नेल्सन लेफ्टी बैटर है, जोनोविल से दोस्तों गजब प्लेयर आएंगे, एसरियन गिब्सन, जॉर्ज गार्टन है दोस्तों खूबसूरत गेंदबाज है दोस्तों, अच्छा टप्पा है इनका, मतलब बॉलिंग एक्शन दोस्तों खूबसूरत है। मैं कभी भी दोस्तों पर्सनलिटी के हिसाब से नहीं बताता कि लुक तो दोस्तों कैसा भी हो सकता है वो मैटर नहीं करता, आप दोस्तों जिस चीज में माहिर हो ना उसके अपन बात कर रहे हैं। तो जॉर्ज गार्टन का दोस्तों बहुत खूबसूरत एक्शन है बॉलिंग के अंदर, कांसा वन ऑफ द लीजेंडरी बॉलर, डेनियल वॉरेल, पीटर सिडाल या सिडल कह लो, फवाद अहमद वैसगर प्रमुख गेंदबाज दोस्तों ये रहेंगे मुझे लग रहा है, जॉर्ज गॉटन, राशिद खान, फवाद अहमद, वैसगर, पीटर सिडल, वॉरेल दोस्तों के छठवें बॉलिंग विकल्प हो सकते हैं। गिव अवे किसके ऊपर है, जैक वदलैंड के ऊपर है, #statutes आपको लिखना, आपको बताना है JW जैक वदलैंड कितने रन बनाएंगे। जो लोग चैनल पर नहीं हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दे, आपसे ये कहूँगा। प्रैक्टिस मैचेस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ना मेलबर्न रेनेगेड्स ने कम से कम 3-4 प्रैक्टिस मैच खेले दोस्तों, जो भी एकदम ऑफिशियल प्रैक्टिस मैच थे जिनका स्कोर कार्ड भी अवेलेबल था। तो देखो जेम शेमूर भाई कड़क टच में देखे, 70-51 गेंदों में बनाए, नाबाद थे, फिर 4 करे, फिर 59 करा 22 गेंदों के अंदर। श्याम अपर ने 33 करा, जोनाथन मैरलो दोस्तों अच्छे टच में दिखे, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और राइट ही बैटर है, 14 करा, 47 करा, 49 करा 22 गेंदों में। अनुमक चंद 43 फ्रॉम 37 एंड 1 फ्रॉम 3 बॉल्स। मोहम्मद नबी इन्होंने दोस्तों बॉलिंग स्टैट से मिला था, 16 रन दिए, 1 विकेट निकाला। विल सदरलैंड दोस्तों अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, 20 रन, 41 रन मात्र 19 गेंदों में, 1 विकेट है, 35 रन दिया, फिर 46 की नौबाद पारी थी दोस्तों यहाँ पे, फिर देखो 28 की पारी 14 गेंदों में, 1 विकेट था। मेरे को लग रहा है दोस्तों अच्छा कर सकते हैं टूर्नामेंट इनका, इस साल अच्छा जा सकता है। मुझे दोस्तों याद है लास्ट ईयर जब इनको डेथ ओवर दिया था, एक ओवर में इसको 20 मार दिया था, तो दोस्तों रो रहे थे उस टाइम पे, मेरे को अभी भी याद है दोस्तों सीन जब बहुत बुरा हुआ था इनके साथ। मैकेंजी हार्वी 3-51-20-60 अच्छे प्लेयर है, जैक फ्रेसर एमसी गर्क 13-5-11, केन रिचर्डसन ने 2 विकेट निकाले 19 रन देंगे, पैटिनसन ने 20 रन देंगे 2 विकेट निकाले, ललॉर ने 2 विकेट निकाला 29 रन देंगे, 3 ओवर के अंदर 10 रन दिया विकेटलेस, रिस्टोपली 1 विकेट 25 रन देंगे, मिच पैरी, जहीर खान का 1 विकेट था फिर 2 विकेट था, जैक प्रेशविच का 2 विकेट 1 विकेट है। कैमरन बॉयज दोस्तों पहले मैच के अंदर 3.4 ओवर के अंदर 42 रन खाए और विकेटलेस, दूसरे प्रैक्टिस मैच में 3 ओवर में 29 रन दिया 2 विकेट था, जैक वांस विकेटलेस। अब देखो एडिलेड स्ट्राइकर दोस्तों प्रैक्टिस मैच खेले थे पर इनके ना प्रीमियर ग्रेड टूर्नामेंट थे, मतलब क्या हुआ हर प्लेयर दोस्तों अलग अलग टीम में खेलता था, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खेलता था। ये ऊपर वाले प्रैक्टिस मैच के स्टैट्स है ना दोस्तों, ये तो ऑफिशियली मेलबर्न रेनेगेड्स के हैं, ये दोस्तों दिख रहे हैं ना एडिलेड स्ट्राइकर्स के, दोस्तों प्लेयर अपने क्लब के अंदर जाके खेलते थे। तो देखो जैक वॉलन 37-46 करा, हैनलसन 22-5 है, जोनविल्स का 46-2 था, रैन गिब्सन दोस्तों वन डाउन खेल रहे थे प्रैक्टिस मैच में, उसमें कितना करा 42-72-34, स्पेंसर जॉनसन 1-1 विकेट था, फवाद अहमद ने दोस्तों अभी 30 तारीख को खेला था विक्टोरिया के अंदर 4 विकेट निकाला था, हैरी कॉन में 1 विकेट था, इन्होंने 28 तारीख को खेला था, डेनियल वॉरेल का 0-3 विकेट था।
अब देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स यहाँ से आता है कि जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब क्या होता है। जब दोस्तों मैकेंजी आरवी खेले अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स, तीन मैच खेले, अब देखो कैसे परफॉर्मेंस दिया है। 34 चेस के ऊपर है, 14 चेस के ऊपर, 1 चेस के ऊपर है। इस साल बिग बैश लीग के अंदर क्या करा था इसने लास्ट ईयर, ये आपको दोस्तों पता ही है, ये बिग बैश लीग का 11वां अध्याय है, 11th एडिशन है। लास्ट ईयर दोस्तों 10th एडिशन था, तो इसने लास्ट ईयर 10th एडिशन के अंदर 10 मैच के अंदर 198 रन करे थे, 28 की औसत थी। और नमक चंद आएंगे यहाँ पे, इनका दोस्तों ओवरऑल T20 करियर के अंदर मात्र 22 की एवरेज है, 74 मैचों के अंदर 1500 रन है, बैट फर्स्ट 25 की औसत है, बैट सेकंड 20 की औसत है। अभी दोस्तों हाल ही के अंदर यूएसए शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे दोस्तों अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं दोस्तों इनको 3 साल या 4 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी यूएसए की, तब दोस्तों ये यूएसए की तरफ से खेलेंगे। शाम वहाँ पर 6 मैच 16 की औसत है, 94 रन है, हेड टू हेड के अंदर हर बार चेस करा 31, 28, 18, 11, 5, 1। लास्ट ईयर दोस्तों ठीक था, 14 मैच में 351 रन था, शगुन लगाया था भाई साहब ने 51 का, 27 की औसत थी। जैक फ्रेसर एमसी गर्क, ये दोस्तों कड़क प्लेयर है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब इन्होंने लास्ट टाइम खेला था ना तो कुछ 46 करा था कुछ 20-25 गेंद के अंदर, मार्च कप के अंदर, जो मार्च कप होता है ना ऑस्ट्रेलिया का, ओडीडी कप होता है, तो अच्छे फॉर्म में दिखे थे दोस्तों, अच्छे प्लेयर है वैसे तो। लास्ट ईयर 10 मैच के अंदर 127 रन था, वैसे तो अच्छे प्लेयर है। जेम शेमूर प्रैक्टिस मैच स्टैट्स आप देख लेना, ये भी अच्छे बैटर है दोस्तों, टॉप ऑर्डर में खेले तो मस्ट पिक है। मोहम्मद नबी 5 मैच 134 रन 3 विकेट्स है, हेड टू हेड के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस है। इस साल फॉर्म देखो 35 मैच के अंदर 664 रन है 2021 के अंदर और 23 विकेट्स है। विल सदरलैंड का हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 0 विकेट था। लास्ट ईयर बिग बैश लीग 4 विकेट्स था, 6 मैचों में 17 रन था। जेम्स पैटिसन के दोस्तों हेड टू हेड शॉट्स बहुत अच्छे हैं, 4 मैचों में 8 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेट लेस गए। और लास्ट ईयर दोस्तों 2020 के अंदर इसने 16 मैचेस में 20 विकेट निकाले थे। इस साल दोस्तों खेला ही नहीं कोई T20 मैच, ये थोड़ा शॉकिंग चीज़ थी। इवन दोस्तों मुंबई इंडियंस ने इनको रिलीज कर दिया था, ये खिलाती नहीं थी एक तरीके से, ठीक है। अब तो केन रिचर्डसन 6 मैच 9 विकेट्स और 2 मैच के अंदर विकेट लेस गए थे, अच्छे प्लेयर दोस्तों है। इस साल फॉर्म देखो 12 मैचों में 14 विकेट है इनका दोस्तों, ग्राउंड रहेगा। कैमरन बॉयस का 10 मैच में 7 विकेट हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स, 5 मैच में विकेट लेस गए और 10 मैच खेल गए इस टीम के खिलाफ। इन्होंने बिग बैश लीग सीजन 10 नहीं खेला था लास्ट ईयर का, इन्होंने दोस्तों 2019 वाला खेला था, उसके अंदर इसने 14 मैच में 14 विकेट निकाले थे। रिस टोपली दोस्तों इस साल फॉर्म में नहीं है थोड़े से, 6 मैचों में 4 विकेट है, लेकिन दोस्तों ये अपनी डेथ ओवर के अंदर आएंगे, कटर्स डालेंगे दोस्तों, विकेट्स वहाँ पे निकाल सकते हैं। बॉल फर्स्ट के अंदर इनका T20 करियर में देखो 42 मैच में 65 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 47 मैचेस के अंदर 51 विकेट है। ओवरऑल T20 करियर अच्छे हैं, 88 मैचेस में 116 विकेट्स हैं। जॉश लेलोर आ सकते हैं, 9 मैचों में 10 विकेट है, एटवर्ड के अंदर बॉल फर्स्ट 6 मैच में 10 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैचों में 0 विकेट है। लास्ट ईयर 7 मैच में 6 विकेट था, बहुत तगड़ी कुटाई भी थी कि लास्ट ईयर। एरन फिंच का अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स 6 मैचों में 100 रन है, बैट फर्स्ट 19-13, चेस के ऊपर 50-14, 4-0, अच्छे प्लेयर है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। हर प्लेयर के स्टैट दोस्तों मैंने देखा है, इवन शॉन मार्श का दिया दोस्तों मैंने, मार्कस हैरिस का दिया है, अगर निक मार्टिनसन आ जाते हैं ना नेशनल ड्यूटी से तो भी स्टैट्स मैंने दे दिए आपको। स्टार्टिंग हुआ रिस टोपली है, मोहम्मद नबी, केन रिचर्डसन, जेम्स पैटिनसन है, डेथ में केन रिचर्डसन, रिस टोपली, जेम्स पैटिनसन। एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जैक बदलन ने क्या करा है जब खेला है मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ, 9 मैच खेले हैं, 31 की औसत है, गजब औसत है इनका, 277 रन है, बैट फर्स्ट 71, 51, 32, 27, 19, 16 और 3 है, चीज़ के ऊपर 11 है। ओवरऑल T20 क्रिकेट के अंदर ना जैक वदलैंड का यहाँ पे बैट फर्स्ट 31 की औसत है, बैट सेकंड 24 की औसत है। इस साल फॉर्म देखो, इन्होंने दोस्तों इस साल PSL भी खेला था अगर आपको याद हो तो, क्यूटा ग्लैडिएटर्स के लिए, 14 मैच 38 की औसत, 460 रन इस साल 2021 के अंदर। मैथ्यू शॉट 4 मैच 109 रन है, एटवर्ड के अंदर 0 विकेट है, बैट फर्स्ट 65 है, 41 है, 2 है, फिर 1 है। ओवरऑल T20 करियर के अंदर बैट फर्स्ट में 19 की औसत है, बैट सेकंड में 5 की औसत है। ये दोस्तों इस साल अच्छे पिक हो सकते हैं, अच्छे फॉर्म में है ये, थोड़े विद द बॉल तो अच्छे फॉर्म में, बॉलिंग शायद दोस्तों कराए ना कराएं क्योंकि इनके पास इतने सारे पहले बॉलिंग ऑप्शन है। ये वाला बिग बैश लीग के अंदर इन्होंने 10वें एडिशन के अंदर 5 मैच में 37 रन करा, सेकंड लास्ट ईयर के अंदर 15 मैच में 176 रन करा था। हैरी नेल्सन का 2 मैचेस में 4 रन है, हेड टू हेड के अंदर T20 करियर के अंदर 12 मैच में 134 रन है। जनोविल्स इस टीम के दोस्तों सबसे बेहतरीन प्लेयर, सबसे रिलायबल प्लेयर कह सकते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जैसे सिडनी सिक्सर्स में जॉर्डन सिल्का ना, इसी तरह यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स में जनोविल्स है, इनका पूरा नाम जोनाथन विल्स है। 13 मैच 293 रन है, 33 की औसत दोस्तों, बड़ी मेहनत करी थी इसने ऑफ द सीजन, मुझे अभी भी याद है जब दोस्तों इनके इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह देखता था भाई की 58 बैट फर्स्ट 42, 26 नाबाद, 22 नाबाद, 20 16 नाबाद, 5 5 2, चेस के ऊपर 72 16, आई थिंक 17 है, फिर 8 है, फिर 0 है। ओवरऑल T20 करियर बैट फर्स्ट 36, बैट सेकंड 30 की औसत है। लास्ट ईयर 9 मैचों में 240 रन था और 40 की औसत थी, मतलब इस साल 2021 के अंदर फॉर्म अच्छा है इनका। इन्होंने PSL भी खेला था, 1 मैच में कुछ 50-60 भी करे थे इसने।
रुआन गिब्सन तीन मैच खेला अगेंस्ट मेलबर्न रेनेगेड्स, अच्छे नंबर्स है, 43 बैट फर्स्ट है, 39 चेज के ऊपर एक बैट फर्स्ट है, ओवरऑल T20 करियर 23 की औसत बैट फर्स्ट है, बैट सेकंड 12 की औसत है, और पिछले बिग बैश लीग के अंदर 10 मैच में 100 रन करे थे। जॉर्ज गॉटन इस साल 21 मैच में 24 विकेट है, अच्छे बॉलर है, नई गेंद से स्विंग कराते हैं। राशिद खान 8 मैच के अंदर 13 विकेट्स हैं, 78 रन से एक भी मैच के अंदर स्टेम के खिलाफ विकेटलेस आज तक कभी गए नहीं है, हर बार बॉल सेकंड करा स्टेम के खिलाफ। इस साल फॉर्म देखो 46 मैच में 65 विकेट है। डैनियल वॉरेल का 3 मैच में 2 विकेट्स है एटवुड के अंदर, इस साल फॉर्म देखो बिग बैश लीग इस वाले एडिशन के अंदर 13 मैच में 6 विकेट था। पीटर सिडल 6 मैच में 7 विकेट्स है, 3 मैच के अंदर विकेटलेस है, 2021 के अंदर 13 मैच में 19 विकेट था। फवाद अहमद का हेडटूड के अंदर 9 मैचों में 11 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 में 5, बॉल सेकंड 4 मैचों में 6 विकेट्स है। अच्छे गेंदबाज है दोस्तों, इस साल फॉर्म देख लो 27 मैच में 29 विकेट्स है। इन्होंने दोस्तों PSL खेला था मुझे दोस्तों अभी भी याद है, अच्छे बॉलर हैं। वैसे अगर का 5 मैचों में 6 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेटलेस है। इस साल लास्ट ईयर वाले बिग बैश लीग के अंदर 15 मैच में 22 विकेट था। हर प्लेयर के स्टैट दोस्तों नहीं दे रखे हैं, मैं ट्रेंशो ट्रेविस एलेक्स करी मैं दोस्तों सबके देखे रखता हूँ, क्योंकि अपन बाद में दोबारा मैच करो करेंगे ना तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी। जॉर्ज गॉटन स्टार्टिंग ओवर है, वैसे अगर पीटर सिडल है डेथर में, जॉर्ज गॉटन वैसे अगर पीटर सिडल राशिद खान एक ओवर डेथर में लेके आ जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स की, इस वेन्यू पे मैच में तो क्या हुआ है। डॉकलैंड्स के ऊपर मैकेंजी आरवी 7 मैच 113 रन से यहाँ पे 19 की औसत है, बैट फर्स्ट 14-8 है, जिसके ऊपर 47 नबाद 30-7-5-2 है। उन्मुख चंद यहाँ पे नहीं खेले, श्याम आपर का यहाँ पे 14 मैच में 281 रन से 22 की औसत है, बैट फर्स्ट में दोस्तों कंसिस्टेंसी की कमी है, 45-10-6-3-0-0 जिसके ऊपर कंसिस्टेंसी अच्छी है, 57-39-36-36-32-11-6-0 है। जैक फ्रेसर एमसीगर का 2 मैच में 27 रन है, मोहम्मद नबी का 10 मैच में 270 रन है। दोस्तों इस वेन्यू पे भाई ने अलग ही परफॉर्मेंस दिया, 7 विकेट्स हैं, 3 मैच के अंदर विकेटलेस, अच्छे प्लेयर है दोस्तों, चेस पे तो अलग ही कंसिस्टेंसी है, बैट फर्स्ट में भी अच्छा ही करा है। विल सदरलैंड यहाँ पे 6 मैच खेले और आपको पता है दोस्तों इसने सीधा ये 3 विकेट निकाले ना, ये एक ही मैच के अंदर निकाल दिए थे और 5 मैच के अंदर विकेटलेस गए थे, 12 रन विद द बैट है। पैटिनसन का 10 मैच में 13 विकेट है, बॉल फर्स्ट 9 विकेट है 5 मैचों में, बॉल सेकंड 5 मैच में 4 विकेट है, तो बॉल फर्स्ट में अच्छा कर रहा है, 4 मैच के अंदर विकेटलेस रहे। केन रिचर्डसन होम ग्राउंड है, 16 मैच में 22 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 9 मैचों में 15 विकेट्स हैं, बॉल सेकंड 7 मैच में 7 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेटलेस है। कैमरन बॉयस 13 मैचों में 14 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट 8 मैच में 7, बॉल सेकंड में अच्छे नंबर्स हैं, 7 विकेट है 5 मैच के अंदर। जॉस लेलर 3 मैच 1 विकेट है, फिंच का यहाँ पर दोस्तों अच्छे नंबर्स हैं, 31 मैच 42 की औसत है, 1122 रन है यहाँ पे, चेस के ऊपर 50 की औसत है, बैट फर्स्ट में 35 की औसत है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से जो हमारी टीम है, जैक वदरन ने यहाँ पे 2 मैच खेले 9 रन है, मैथ्यू शॉट ने 3 मैच खेले 18 रन है, हैरी लिंच ने यहाँ पे नहीं खेले हैं, जोनाथन विल्स का 3 मैच में 25 रन है, रियान गिब्सन का 39 है यहाँ पे, राशिद खान ने दोस्तों यहाँ पे 2 मैच खेले हैं, कुल मिला के 4 विकेट है, बॉल सेकंड करा हर बार और विद द बैट 25 रन है। डैनियल वॉरेल का 2 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल फर्स्ट था। पीटर सिडल का 5 मैच में 1 विकेट है, बॉल फर्स्ट 3 मैचों में 0, बॉल सेकंड 2 मैच में मात्र 1 विकेट है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जो उससे चिंता का स्टैट्स सिडल का। फवाद अहमद 8 में 8 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 5, बॉल सेकंड 4 मैचों में 3 विकेट्स है। वैसे अगर यहाँ पे 1 मैच खेले 2 विकेट है, और यहाँ से मैं टेंशन पैस आउट करा दिया, खेलते तो अच्छे भी होते। मैचअप्स की बात करते हैं दोस्तों, मैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अभी मैकेंजी आरवी का स्ट्रगल वैसे गार के सामने है, 6 गेंद 8 रन 1 बार आउट हुए, ये दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, 5 पारियों के अंदर 2 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने और 14 गेंद में 16 रन है। एरन फिंच का स्ट्रगल राशिद खान के सामने, 45 गेंद 69 रन, 2 बार आउट हुए, दोनों बार पहली पारी में आउट हुए, सिडल ने आउट कराया, फवाद ने एक बार आउट कराया, वैसे अगर ने कॉनवे ने एक बार आउट कराया, कॉनवे दोस्तों आउट किया था ना आपको लास्ट ईयर, एरन फिंच को हैरी कॉनवे ने आउट करा था ना, तो बहुत कैरेक्टर वाला दोस्तों विकेट था वो, मतलब लेग साइड पे बॉल थी, टिकल करके चौका जाना चाहिए था फाइनल की तरफ, लेकिन दोस्तों एज लग गया, एरन फिंच दोस्तों जाते हैं कुर्सी वगैरह फेंकते हैं ड्रेसिंग रूम में जाके, मतलब बहुत खतरनाक सीन था वाला। लेफ्ट आर्म चेयरमैन के सामने दोस्तों इनका स्ट्रगल रहा है, फिंच का 16 पारी में 10 बार आउट हुए और लेग्समैन के सामने 100 पारियों के अंदर 40 बार आउट हुए। अनुमुख चंद वर्सेस लेग्समैन 8 पारियों में 5 बार आउट हुए, चिंता की बात है इनके लिए भी, सामने दोस्तों राशिद खान जैसा वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है। श्याम हापर वर्सेस राशिद खान 16 गेंद 11 रन 2 बार आउट कर चुके हैं, दोनों बार दूसरी बार में आउट करा है। पीटर सिडल ने 11 गेंद में 8 रन दिया, फवाद ने दिया, वैसा गार ने दिया, और दोस्तों श्याम हापर का स्ट्रगल रह रहा है लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने, 16 पारियों में 6 बार आउट हुए और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने 13 पारियों में 4 बार आउट हुए। जैक फ्रेसर एमसी का गेट टू फेस है, मोहम्मद नबी वर्सेस राशिद खान 35 गेंद 58 रन 2 बार आउट हुए, फवाद भैया ने इनको 23 गेंद में 29 रन देकर 2 बार आउट करा है। आएंगे जैक वदरन, इनका स्ट्रगल नबी के सामने, थोड़ा बहुत इतना नहीं कुटाई करी उनकी,
केन रिचर्डसन के सामने तेज गेंद 22 रन है, या थोड़ा सा रुके हैं दोस्तों। जैक वर्डलैंड हमेशा केन रिचर्डसन के सामने दो बार आउट हो चुके हैं, दोनों बार पहली पारी में आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बैटर सामने दिक्कत है इनको, 16 पारी में 6 बार आउट हुए हैं। मैथ्यू शॉट का देखो आप, यहाँ पे स्ट्रगल है जॉश लेलर के सामने, 12 गेंद 5 रन दो बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स लेग स्पिन के सामने फंसते हैं। हैरी नेल्सन वर्सेस पैटिंसन एक बार आउट करा है, प्रेस्टिज ने एक बार आउट करा है। जोनो विल्स वर्सेस केन रिचर्डसन 21 गेंद 24 रन दो बार आउट करा है, दोनों बार पहली पारी में आउट करा है। ऐसे तो पैटिंसन ने भी एक बार आउट कर रखा है। रियान गिब्सन वर्सेस लेग स्पिन लेफ्ट आर्म पेसर्स है। कॉमन कैप्टन नबी राशिद खान, बड़ी लिस्ट में बनाओ राशिद को, गर्टन को, मोहम्मद नबी को, केन रिचर्डसन को, ये चार है ना दोस्तों टॉप मोस्ट पिक्स है, मोस्ट अवेलेबल प्लेयर्स है। अलग जाने ट्राई करना टोपली को, वेल्स को, जैक वर्डलैंड को। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कैप्टन है राशिद खान, वाइस कैप्टन दोस्तों से केन रिचर्डसन। आप दोस्तों को कर सकते हो अगर मेलबर्न रेनेगेड्स पहले गेंदबाजी करती है, यू कैन मेक कैप्टन केन रिचर्डसन। यहाँ पर दोस्तों मैं रिस टोपली के ले लूँगा शायद तक नमक चंद के बदले, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये टीम है दोस्तों थोड़ा सा बॉलर फेवर है। आप दोस्तों देखना कि दोनों टीम का स्क्वाड कैसा है, ठीक है, मैंने आपको प्लेइंग 11 बताई दी थी। आप देखना दोस्तों कि इस टीम का बैटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्या, इस टीम का दोस्तों बॉलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ मेलबर्न रेनेगेड्स के पास ना दोस्तों बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, ठीक है, और इनका दोस्तों बैटिंग स्ट्रेंथ ना टॉप ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। मिडिल ऑर्डर दोस्तों बहुत सॉर्टेड है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके अंदर नबी हैं, सदरलैंड दोस्तों अच्छे फॉर्म में है, फिर जेम शेमर अच्छे फॉर्म में है। वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करते हैं तो इनके साथ दोस्तों क्या हो रहा है, टॉप ऑर्डर थोड़ा सा बेटर है। मिडिल ऑर्डर में दोस्तों सिर्फ जोनाथन वेल्स है और दोस्तों नीचे पूरी कहानी खत्म है। राशिद खान वगैरह आते हैं, गॉटन आते हैं दोस्तों, वो हैं तो अच्छे प्लेयर, खेलते हैं अच्छा है बैट से, लेकिन दोस्तों वो ऐसे रिलायबल प्लेयर नहीं है, ठीक है। और एडिलेड स्ट्राइकर्स का दोस्तों बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो दोनों टीम्स को मुझे दोस्तों बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो बड़ी लीग्स में करना है, रिस्क लेने से नहीं डरना है। आप देखो यहाँ पे कैरी नहीं है, हार्पर दोस्तों एक अच्छे पिक है, हैरी नेल्सन को भी आप ट्राई कर सकते हो। चलेंगे दोस्तों यहाँ पे शॉन मार्श की तरफ, नहीं है वर्डलैंड दोस्तों अवेलेबल है, फिंच दोस्तों खेलेंगे तो अपन ले लेंगे, मेडिसन नहीं है, वेल्स दोस्तों एक टॉप क्लास प्लेयर है, सबसे अंडररेटेड प्लेयर मुझे लगता है, टेक्निक बहुत सही है। चंद को आप ट्राई कर सकते हो, आप दोस्तों हार्वी को ट्राई कर सकते हो, हार्वी भी अच्छे फॉर्म में, मेरे हिसाब से हार्वी ज़्यादा बेटर फॉर्म में एज कम्पेयर टू नमक चंद। आएंगे रियान गिब्सन टॉप ऑर्डर में खेले तो ट्राई करना, जैक फ्रेसर एमसी का एक दो टीम में ट्राई कर सकते हो, शेमर को भी ट्राई कर सकते हो। फिर आएंगे नबी, इंपॉर्टेंट है, हेड नहीं है, शॉट दोस्तों मेरे हिसाब से 50-50 प्लेयर है, बॉलिंग तो करेंगे नहीं सिर्फ बैट करेंगे। सामने दोस्तों पैटिंसन रिचर्डसन रहेंगे तो शायद जल्दी आउट हो जाए, तो थोड़े से बहुत रिस्की पिक है, शायद ड्रॉप भी कर सकते हैं अपन, देखते हैं। सदरलैंड कैन बी ट्राइबल इन ग्रैंड लीग्स। आएंगे राशिद खान इंपॉर्टेंट है, के रिचर्डसन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे, प्रेस्टिज शायद अवेलेबल ना हो इस मैच के लिए, है तो दोस्तों फिट है, स्क्वाड के अंदर भी रहेंगे लेकिन 11 में जगह ना बने। वैसा अगर इंपॉर्टेंट सीडल इंपॉर्टेंट गॉटन इंपॉर्टेंट है, पैटिंसन दोस्तों मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप फवाद को रोटेट कर सकते हो, बॉलिंग ऑप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। रिस टोपली कैन बी द मैन टू वॉच आउट अगेन। कैमरन बॉयस एक दो टीम में ट्राई कर सकते हो, ये भी दोस्तों अच्छे लेग स्पिनर है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। चैनल में दोस्तों नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दे और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दे। टेक केयर, जय हिंद।